बस इतना याद है कि जेल आने से पहले मैं भी एक आम सा ही बच्चा था। मेरा वक्त भी खेलकूद में गुजरता था। मुझे अपनी माँ से बहुत प्यार था। मैं बहुत छोटा सा था जब मेरी माँ का इंतकाल हो गया। उनके जाने से मेरी दुनिया वीरान हो गई और सिर्फ एक साल बाद मैं जेल में था। मेरे अब्बा मुझे खुद पुलिस स्टेशन छोड़कर आए थे। थानेदार ने कुरान पर हाथ रखकर कसम खाई थी कि मुझे सज़ा नहीं होगी। हमें बाद में पता चला कि उसने मुदईयों से रिश्वत ले ली है। पेशी पर जाते हुए मैं कैद गाड़ी की खिड़की से बाहर झांकता रहता था। लोग अपने बाल बच्चों के साथ मोटरसाइकिलों और गाड़ियों पर गुजरते दिखाई देते थे। मैं अक्सर सोचता था अगर मैं जेल में ना होता तो मेरी जिंदगी कैसी होती। मैं हवा का लम्स और खुली फिजा में दौड़ने का लुत्फ भूल चुका हूं, लेकिन कम से कम आसमान मेरी आंखों की दस्तरस में है। मैं अक्सर सोचता हूं कि जिंदा के सवार क्या है। मैं जेल के बाहर की जिंदगी के ख्वाब देखता हूं, जहां मैं न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया या यूरोप में ट्रक चलाता हूं। मैंने सुना है कि यूरोप में बड़ी बड़ी सुरंगें हैं। हो सकता है उन सुरंगों की दूसरे सिरे पर रोशनी हो। यहां रोशनी का गुजर नहीं, मेरी निगरानी पर मामूर कांस्टेबल अब इंस्पेक्टर हो गए हैं। दो फूल वालों को तीन फूल लग गए हैं, लेकिन मैं कैदी का कैदी ही हूं, जिसे किसी भी रोज फांसी हो सकती है।